आपने कटहल तो बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन कई बार हम पाते हैं कि कटहल के अंदर तक मसालों का फ्लेवर नहीं आ पाता है। हमारी कटहल सॉफ्ट भी बने और सब्जी में उसके पीसेस भी नजर आए और ग्रेवी ऐसी मजेदार बने कि आप खुद और आप जिसको भी ये रेसिपी खिलाएं वो कभी भी इसका टेस्ट भूल ना पाए। इस सब्जी में हम डालेंगे 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारी सब्जी में लाएंगे एकदम परफेक्ट टेस्ट। हाय एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी पर। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 250 ग्राम कटहल लिया है और अब हाँ, थाली और नाइफ पे हल्का सा ऑयल लगा करके हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि नाइफ के हैंडल पे भी ऑयल नहीं लगाना है, नहीं तो कटहल हमारे हाथ से फिसल जाएगा और इससे हमारे हाथों में चोट भी लग सकती है। आप कोई भी पॉलिथीन या फिर न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, इसके ऊपर हम कटहल के छिलके रखेंगे जिससे हमारे छिलकों से जो मिल्क निकलेगा वो हमारी फर्श पर चिप गा नहीं। और अब हम छोटे छोटे पीसेस में कटहल को कट कर लेंगे, उसके बाद पील करने में काफी ज्यादा आसानी रहती है। अब जो कटहल का ऊपरी भाग है उसे हमें आधा इंच कट करके निकाल देना है और बैक साइड में भी आधा इंच कट करते हुए हम इसका छिलका निकाल देंगे। और अब अपने मनचाहे पीसेस में कटहल को कट करके आप तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा मोटे पीसेस नहीं रखने हैं, नहीं तो कटहल आपका बहुत टाइम लेगा पकने में, और अगर बहुत छोटे पीसेस कर दिए तो वो सब्जी की ग्रेवी में ही मिक्स हो जाएंगे। तो ध्यान रहे मीडियम साइज के ही टुकड़ों में हमें इसे कट करना है। आज की ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है जिन्हें कटहल खाने के बाद पेट फूलने की या फिर गैस की समस्या रहती है। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस रेसिपी को अगर आपने कटहल बनाते समय फॉलो किया तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी, साथ ही साथ लोग आपसे पूछ करके जाएंगे कि इतनी लाजवाब सब्जी की रेसिपी क्या है। तो प्लीज नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। कटहल को कट करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो उसके लिए हमने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 7 से 8 यहाँ पर हमने कबाब चीनी ली है। कबाब चीनी डालना ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, हो तो जरूर डालें। 1 बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया और 2 तेज पत्ते लिए हुए, 1 चक्री फूल भी हमने लिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने जावित्री ली हुई है, 1 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का हमने लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक साफ कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं और इन सारी चीजों को इस कॉटन के कपड़े पर हम डाल देंगे। यहाँ पर हम इसकी एक पोटली टाइप की तैयार करेंगे। तेज पत्ता और दालचीनी को अलग करते हुए सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चक्री फूल ना हो तो यहाँ पर आप थोड़ी सी सौंफ यानी कि 1 टीस्पून के करीब सौंफ भी ले सकते हैं। मसालों के ही साथ में 1 बंच लहसुन का और 1 प्याज हमने यहाँ पर कट करके ले लिया, इसको भी हम इसमें रख देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं दोनों चीजें। और ये लीजिए, इस तरीके से पोटली को बांध करके हम तैयार कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली और इसमें सारे कटे हुए कटहल के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। इनको हमने अच्छे से वॉश करके लिया हुआ है, ये देखिए पीसेस हमने इस तरीके के कट किए हैं। साथ ही तेज पत्ता, दालचीनी और पोटली को भी इसमें डाल देंगे। 1 लीटर के करीब पानी भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां हो या हो दालें जिन्हें हम प्रेशर कुकर के बनाते हैं तो सॉफ्ट तो हो जाती है लेकिन वो अच्छे से पकती नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में गैस वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कटहल को बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। और ये लीजिए, कटहल को हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है। कटहल को ठंडा करने के बाद हमने एक बॉल में निकाल लिया है, इसका पानी में फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम आगे ग्रेवी में करेंगे। अब हम कटहल को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए 1 टीस्पून भर करके यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब जो चीज़ कटहल में मैं डालने जा रही हूँ ये हमारे कटहल का टेस्ट तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ग्रेवी में भी अच्छी खासी थिकनेस लाता है। ये है 1 टेबल स्पून पूरा भर करके चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। चावल का आटा ना हो तो इसकी जगह पर आप 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पूरा भर करके कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखें। 2 टेबल स्पून भर करके गाढ़ा दही डाल दिया है। इन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए,
कटहल का मैरिनेशन हमारा तैयार हो चुका है और अब मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के प्याज को गैस पर भून करके ले लिया है। इन्हें भूनने में केवल 5 मिनट का ही समय लगता है। पुराने समय में भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग इस तरीके का भुना हुआ प्याज अपने डाइट में इस्तेमाल करते थे। ये भुना हुआ प्याज हमें लू लगने से बचाता है। आग पर भुना हुआ प्याज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है, साथ ही ऑयल में भुना हुआ प्याज हमारे शरीर में शुगर को बढ़ाता है। भुने प्याज के साथ जब हम अपनी ग्रेवी को तैयार करते हैं तो उसमें हमें ऑयल की क्वांटिटी भी काफी कम लगती है। प्याज के ऊपर जो ये हार्ड वाला पोर्शन होता है ये हमारे शरीर में गांठ वगैरह पैदा करता है, तो इसको हमें कट करके निकाल देना है और सारे प्याज को रफली चॉप करने के बाद ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसकी हम एक फाइन प्योरी तैयार कर लेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर भी हमने लिया है, इसकी भी हम प्योरी तैयार कर लेंगे। साथ ही जो पोटली में हमने मसाले लिए थे इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर जो लहसुन है इसे निकाल करके हम प्याज में मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में हमने एक सर्विंग स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 टीस्पून श्याह जीरा डाल देंगे। श्याह जीरे की जगह पर आप जो घर पर नॉर्मल जीरा यूज करते हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जीरे के क्रैकल होते ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ कटहल भी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए 7 से 8 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हमने कटहल को बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए 1 सर्विंग स्पून भर करके कुकिंग ऑयल को हमने पैन में डाल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून श्याह जीरा। इसको हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरे के अच्छे से क्रैकल होते ही 2 साबुत लाल मिर्च, 2 साबुत हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। साथ ही प्याज और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इस पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो टोमेटो प्योरी हमने तैयार की थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हमें भून लेना है। टमाटर का कच्चापन निकल चुका है और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून ताजा गाढ़ा दही भी इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे खट्टी दही यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। दही और मसालों को लगातार चलाते हुए हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पर सफेद नमक डाल देंगे। ध्यान रखें कि नमक हम मैरिनेशन में भी डाल चुके हैं और कटहल को बॉयल करते समय भी डाला था। अब जिस पानी में हमने कटहल को बॉयल किया था बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल पानी ये हो जाता है। इस पानी का इस्तेमाल हम अपनी ग्रेवी के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कप के करीब पानी को हमने ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी थिक ग्रेवी के लिए इतना पानी सफिशियंट है। और ये लीजिए ग्रेवी को हमने बहुत ही अच्छे से कवर करके पका लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा ऑयल हम सब्जी से अपने निकाल लेंगे। इस ट्रिक को शादी पार्टी में हलवाई लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग भी सब्जी को पकाने के बाद ये ऑयल निकाल लेते हैं और जब सब्जी को सर्व करते हैं उसके ऊपर से फिर से इस ऑयल को डाल देते हैं, जिससे सब्जी हमारी बहुत ही ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगती है। अब जो कटहल हमने फ्राई करके रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा कटहल हमने निकाल लिया है, उसको हम सूखी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे और बाकी बचा हुआ सारा कटहल हमने इसमें डाल दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए कटहल को हमने ग्रेवी के साथ पका लिया है। वाओ, ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हुई है। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और फटाफट से अब हम इसको सर्व करते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे वीडियोज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।